Your jump. हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल फ्री में जानो में। दोस्तों आज की ताजा खबर ब्रेकिंग न्यूज, आज हम आपको बताएंगे नई मोदी सरकार में किसानों को मिलेगी 3000 रुपए की पेंशन और पांच बड़ी खबरें। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। नई मोदी सरकार ने किसानों को 3000 रुपए की पेंशन देने का ऐलान कर दिया और पांच बड़ी खबरें ये हैं। तो दोस्तों कौन कौन सी पांच बड़ी खबरें हैं अब आप लोग दोस्तों वीडियो को पूरा देखें एंड तक। मोदी सरकार ने शुक्रवार को अपने दूसरे कार्यकाल में पहली कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले किए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि अब सभी किसानों को 3000 रुपए की पेंशन मिलेगी और ये पांच बड़ी खबरें उनके लिए हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब लिखा दिख रहा है दोस्तों इसे टच करते हैं। जैसे ही आप इसे टच करेंगे इसके पास एक बेल आइकन घंटे का निशान आया उसे भी टच कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप देख सकें हमारी नई नई वीडियो। सबसे पहले दोस्तों ये लाइक वाले बटन को दबा के नीला कर दें ताकि हमें पता चले आपने हमारी वीडियो देखी और लाइक कर दिया। शेयर वाले ऑप्शन से शेयर करते हैं अपने यार दोस्तों के साथ फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, और दोस्तों नीचे की ओर आगे आपको कमेंट कर देना है। और दोस्तों आपको अभी तक इन योजनाओं का लाभ मिला है, आपके ये पांच बड़ी खबरें आपको मिली हैं या नहीं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है नई मोदी सरकार में किसानों को मिलेंगी 3000 रुपए की पेंशन, पांच बड़ी खबरें। तो दोस्तों मोदी सरकार ने शुक्रवार को अपने दूसरे कार्यकाल में पहली कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले किए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब इस योजना में छोटे बड़े सभी किसानों को 6000 रुपए बैंक अकाउंट के जरिए सालाना दिया जाएगा। अब इसका लाभ 14.5 करोड़ किसानों को मिलेगा। तो दोस्तों अब तक ये छोटे किसानों को मिलता था, लेकिन अब ये छोटे बड़े सभी किसानों को मिलेंगे। इस योजना में पहले 2 हेक्टेयर तक खेत वाले किसानों को 6000 रुपए प्रति सालाना 3 किस्तों में दिया जाता था, लेकिन इसके अलावा किसानों को पेंशन योजना भी मंजूरी दे दी गई है। तो दोस्तों अब पहले किसानों को 6000 रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब किसानों को पेंशन की भी मंजूरी दे दी गई है। इसके अंतर्गत 18 से लेकर 40 वर्ष तक के किसानों को एक कदम का अंग दान करना होगा और उसका भी हिस्सा सरकार की ओर से ही दिया जाएगा। जब ये किसान 60 साल की उम्र को पार कर लेंगे तो उन्हें 3000 रुपए का मासिक पेंशन मिलेगा। तो दोस्तों जब ये किसान 60 साल की उम्र पार कर लेंगे तब इन्हें 3000 रुपए पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप की राशि भी बढ़ा दी गई है। अब इस योजना में लड़कों को 2500 रुपए दिए जाएंगे, वहीं लड़कियों के लिए भी 2250 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए कर दिए गए हैं। तो दोस्तों अब तक 2000 रुपए स्कॉलरशिप मिलती थी, लेकिन अब 2500 रुपए मिलेगी और लड़कियों को 3000 रुपए स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो दोस्तों नेशनल फ्रेंड फंड के तहत दी जाने वाली स्कॉलरशिप का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। अब ये इसका लाभ सेना, अर्धसैनिक बल के शहीद जवान, पूर्व सैनिकों की विधवाओं के अलावा उन पुलिस अधिकारियों को भी दिए जाएंगे जो नक्सल या चरमपंथी हमले में शहीद हो चुके हैं। छोटे कारोबार और दुकानदारों के लिए पेंशन को भी सरकार ने मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत 60 साल के कारोबारों और दुकानदारों को 3000 रुपए की मासिक पेंशन दी जाएगी। इस योजना से 3 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचेगा। तो दोस्तों इस योजना से 3 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचेगा। मोदी सरकार ने आगे भी नहीं शामिल होंगे JDU। तो दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अगले होने वाले समय में JDU केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं होंगे। दिल्ली में पटना लौटने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए नीतीश ने कहा है हमारी किसी से भी कोई शिकायत नहीं है, ना किसी तरह का कोई गम है और ना ही हमारी पार्टी का कोई नेता या कार्यकर्ता या समर्थक मायूस है। उन्होंने कहा है सरकार में शामिल होने की सरकार में रहने की प्रमाण नहीं होती। तो दोस्तों निकलने का कोई प्रमाण नहीं होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में NDA के सभी सहयोगी दलों को मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी, लेकिन शपथ ग्रहण के में ठीक से पहले इस खबर आई थी कि JDU इसका हिस्सा नहीं बनेगा। नीतीश कुमार ने स्पष्ट किया कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों अब सभी किसानों को मिलेंगे 3000 रुपए की पेंशन और जिन्हें मिलते थे 2000 रुपए स्कॉलरशिप उन्हें मिलेंगे 2500 रुपए। अब छोटे बड़े सभी किसानों को मिलेगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ। तो दोस्तों पहले छोटे किसानों को इसका लाभ मिलता था, लेकिन अब छोटे और बड़े सभी किसानों को इसका लाभ मिलेगा। इसकी योजना से पहले 2 हेक्टेयर तक खेत वाले किसानों को 6000 रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब 6000 रुपए के साथ साथ उन्हें 18 से 40 साल की उम्र के बाद 60 साल पार होने पर 3000 रुपए की पेंशन भी दी जाएगी।
तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस योजनाओं का लाभ नहीं मिला है तो अब आपको इस योजनाओं का लाभ मिलेगा। अगर आपके यहाँ कोई भी बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो उसे स्कॉलरशिप मिलेगी 2000 की जगह 2500 रुपये, और लड़की अगर स्कूल में पढ़ती है तो उसे 2250 रुपये की जगह मिलेंगे 3000 रुपये। तो दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने अपना कीमती